हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंदु और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस में। वेब टेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस लिस्ट। सीएसएस लिस्ट को जानने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि लिस्ट होती क्या है। हमारी लिस्ट बेसिकली दो टाइप की होती है। एचटीएमएल लिस्ट में भी हमने देखा था कि हमारी दो टाइप की लिस्ट जो होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारा कोई एक न्यूमेरिक या फिर एक अल्फाबेटिकली कोई ऑर्डर नहीं रहता है जिसके थ्रू हम कंटेंट को डाल सके। मतलब आपकी बुलेट्स की फॉर्म में वो कंटेंट रहेगा लिस्ट के अंदर। बुलेट्स आपकी किसी भी शेप की हो सकती है जो आपको रिक्वायर्ड हो, जो या फिर जो आपका मन कर रहा हो लगाने का, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, इस तरीके से। और जबकि जो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड वे में होगी। आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर हो गया, आपका न्यूमेरिक ऑर्डर हो गया, अपर रोमन हो गया, लोअर रोमन हो गया, इस तरीके से आप उसको अरेंज करके रख सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को सीएसएस लिस्ट के लिए। तो जो हमारी सीएसएस लिस्ट होती है वो हम डिफरेंट तरीके से अपनी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप की हमारी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम इजीली मेंटेन करके रख सकते हैं। तो हमारा जो हेड पोर्शन रहता है उसके अंदर हम स्टाइल मेंशन करते हैं कि हमारा जो लिस्ट का स्टाइल है, चाहे वो ऑर्डर्ड है चाहे वो अनऑर्डर्ड है, उसका स्टाइल क्या रहेगा। उसके बाद जो हमारा बॉडी पार्ट रहेगा ये हमने स्टाइल के लिए देखना है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा स्टाइल है, और स्टाइल कहाँ पे मेंशन करेंगे हम, हेड पार्ट में। उसके बाद जो हमारा बॉडी पार्ट रहेगा वो हमारा कंटेंट के लिए रहेगा कि हमें लिस्ट में कौन सा कंटेंट डालना है, क्या डालना है, मतलब लिस्ट के अंदर वो हमारा बॉडी पोर्शन के अंदर आएगा। और बॉडी पोर्शन में और हमारे कौन से टैग यूज होते हैं, हेडिंग देनी है आपने कोई तो लिस्ट की हेडिंग, और उसके अंदर पैराग्राफ देना है तो लिस्ट का पैराग्राफ, और देन आपका कंटेंट आ जाएगा LI करके। लिस्ट में जो कंटेंट डालते हैं उसके लिए हमारा जो टैग रहता है वो LI रहता है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक सिंपल लिस्ट है जिसमें हमने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दोनों ही लिस्ट ली हुई है। हेड हेड देन स्टाइल, स्टाइल के अंदर UL देख रहे हो, ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो हमने स्टाइल दिया है वो कैसे देंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप। जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसका टाइप क्या रहेगा, हमने दिया है यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर टाइप रहेगा। जो भी हम मेंशन करेंगे बॉडी पार्ट के अंदर हमारी लिस्ट के अंदर, वो स्क्वायर जो बुलेट आएगा वो स्क्वायर फॉर्म में आएगा। उसके बाद है OL, OL मतलब हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए स्टाइल है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए स्टाइल हम डिक्लेयर कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं, क्या होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप अपर रोमन। जो हमारा ऑर्डर लिस्ट रहेगा उसका जो कंटेंट डालोगे आप वो कैसा रहेगा, उसका जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, अपर रोमन रहेगा। तो ये यहाँ पे स्टाइल को क्लोज कर दिया, देन हेड को क्लोज कर दिया, ये स्टाइल से रिलेटेड बातें हो गई। उसके बाद बॉडी पार्ट, बॉडी में क्या होगा, आप हेडिंग दे सकते हो और देन पैराग्राफ बता सकते हो, पैराग्राफ में आप क्या डालने वाले हो। तो बॉडी में हेडिंग दी है लिस्ट, तो आपका आउटपुट ये है, यहाँ पे साथ साथ देख लेंगे कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। आपने हेडिंग दिया लिस्ट तो H2 टाइप की आपकी हेडिंग बन जाएगी लिस्ट। उसके बाद पैराग्राफ में एग्जाम्पल दिया है तो एग्जाम्पल बन जाएगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो स्टाइल होगा वो ये वाला होगा, मतलब आपकी स्क्वायर की फॉर्म में बुलेट आने वाला है, और आप कंटेंट क्या डाल रहे हो अनऑर्डर्ड लिस्ट में, लिस्ट के अंदर डाला आपने टी वाटर, ये टी और वाटर डाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी कैसे एग्जीक्यूट होगी, स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पे बुलेट आ जाएंगे टी और वाटर के साथ। तो कंटेंट आपको बॉडी पार्ट में लिखना है, स्टाइल आपको हेड पार्ट के अंदर स्टाइल में डालना है। उसके बाद आप देखोगे ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी आपने क्या लिया है, पैराग्राफ में ऑर्डर्ड लिस्ट लिखा है तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपने कंटेंट डाला है टी वाटर, तो ऑर्डर्ड लिस्ट आ जाएगा आपका पैराग्राफ के अंदर, और टी और वाटर आ जाएगा आपका अपर रोमन केस में। ये यहाँ पे आपने बताया था अपर रोमन केस, तो अपर रोमन केस में आपका जो है ऑर्डर्ड होके आ जाएगा। ये था सिंपल हमारा एग्जाम्पल। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम क्या करेंगे, इमेज एज अ लिस्ट आइटम मार्कर। आप क्या कर रहे हो, आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में इमेज को डाल रहे हो, बुलेट की फॉर्म में कोई इमेज डाल रहे हो आप, तो उसको लेके चलते हैं। स्टाइल के अंदर डालेंगे हम स्टाइल, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने जो लिस्ट स्टाइल दिया है वो एक इमेज दी है, और उसका URL आपने यहाँ पे लिख दिया है, जो भी URL है आपकी इमेज का वो आपने यहाँ पे डाल दिया है स्टाइल के अंदर। squarered.gif है इसका URL, तो squarered से हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि हमारा जो बुलेट रहेगा वो स्क्वायर रहेगा और रेड कलर का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल को क्लोज कर दिया, बॉडी पार्ट में हेडिंग में दिया है लिस्ट स्टाइल, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख लो, लिस्ट स्टाइल रहेगा आपके, आपका जो हेडिंग है उसमें। उसके बाद पैराग्राफ में दिया है इमेज प्रॉपर्टी, हम इमेज प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ में इमेज प्रॉपर्टी ही लिखा है। उसके बाद जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट का कंटेंट रहेगा वो रहेगा LI टैग के अंदर टी वॉटर, टी और वॉटर कंटेंट रहेगा, लेकिन इसका जो स्टाइल है वो क्या रहेगा आपका स्क्वायर रेड। ये जो इमेज है, ये इमेज का यहाँ पे जो नाम दिया इससे हम समझ पा रहे हैं वैसे ये इमेज क्या है,
आपके छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं रेड कलर के, तो यहाँ पे ये रेड कलर के स्क्वायर्स आ जाएंगे आपके बुलेट की फॉर्म में, मतलब आप यहाँ पे क्या है इमेज डाल सकते हो, कोई और इमेज होगी तो वो भी यहीं पे रिफ्लेक्ट करेगी कंटेंट के साथ। तो ये था हमारा इमेज से रिलेटेड। उसके बाद आगे हम बात करेंगे पोजीशन की। आपका जो बुलेट का पोजीशन है वो इनसाइड और आउटसाइड दो तरीके से हो सकता है, तो वो कैसे मेंशन करना है आपने, स्टाइल में आप मेंशन करते हो स्टाइल को, तो मतलब पोजीशन जो रहेगी आपकी वो इनसाइड या आउटसाइड रहेगी, उसको कैसे लिखेंगे। सपोज हमने यहाँ पे क्या है दो लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट आपने बनाई है अनऑर्डर्ड डॉट ए, उसका जो स्टाइल दिया है वो है आपका लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड। ये पोजीशन दिया आपने जो ए लिस्ट ले रहे हो अनऑर्डर्ड, उसकी पोजीशन दी है आउटसाइड। जो दूसरी लिस्ट ले रहे हो अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट बी, वो आपने जो स्टाइल देना है वो इनसाइड देना है। तो आउटसाइड और इनसाइड में हम देखेंगे कि ये कैसे काम करेगा। अब आ रहे हैं हम बॉडी पार्ट पे हेडिंग। हेडिंग क्या देने वाले हो, लिस्ट स्टाइल आउटसाइड। हेडिंग आपने एक दी है आउटसाइड, पहले हम आउटसाइड की बात करें तो आपने एक आउटसाइड दी है जिसके लिए यूएल क्लास आपने ए के लिए आपका आउटसाइड जाएगा, उसमें आपने कंटेंट डाला है टी प्रिपेयर बाय हॉट वाटर। दूसरी जो लिस्ट में आपने कंटेंट डाला है वो डाला है कोका कोला अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये एज इट इज जो भी आपका कंटेंट है वो ऐसे के ऐसे आने वाला है, लेकिन कहाँ पे आएगा, आउटसाइड आएगा। जो पोजीशन रहेगी बुलेट की वो आउटसाइड रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है आपका बुलेट आउटसाइड, ये दो बुलेट आ रहे हैं आउटसाइड क्योंकि आपने दो कंटेंट डाले हैं टी और कोका कोला। टी में सेम वही आ जाएगा डेटा जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है, आपने डाला हुआ है प्रिपेयर बाय हॉट वाटर और कोका कोला में डाला हुआ है अ सॉफ्ट ड्रिंक। ये आपका क्या है कंटेंट है, ये कंटेंट एज इट इज जाएगा ए और बी के साथ, जो आपने ए का दिया जो आपने बी का दिया वो बी के साथ जाएगा। ऐसे ही आपने इनसाइड के केस में क्या डाला हुआ है, क्लास बी ली है आपने इनसाइड के केस में और यहाँ पे डाला है टी प्रिपेयर बाय हॉट वाटर और कोका कोला अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो यही सेम है आपका कंटेंट, दोनों में ही सेम है, लेकिन आपने क्लास ए और बी लिया क्योंकि यहाँ पे आपने दो लिस्ट मेंशन की है ए और बी। स्टाइल यहाँ से जाएगा, ए के लिए स्टाइल गया था आउटसाइड, बी के लिए जाएगा स्टाइल इनसाइड, कंटेंट वही सेम रहेगा। अब आपको यहाँ से कंफ्यूजन अगर हो रही हो तो मैं आउटसाइड और इनसाइड आपको बता देती हूँ। जैसे ये आपका आउटसाइड है तो ये बुलेट यहाँ पे जाएगा, बाय डिफॉल्ट जो बुलेट रहता है वो ऐसे सर्कल रहता है, ये ऐसे एबीसी जाएगा आपके आउटसाइड के केस में, और जो इनसाइड होगा वो ऐसे जाएगा, कुछ जो पैराग्राफ बनता है ना वो ऐसे बनता है। मतलब ये जो स्पेस देख रहे हो ये इतना ही रहेगा आउटसाइड के केस में। इनसाइड के केस में क्या है आपका कंटेंट थोड़ा इनसाइड जाके आ जाएगा, पैराग्राफ की फॉर्म में जैसे आ जाता है, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका कंटेंट और जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो थोड़ी आगे से आएगी, इस तरीके से आपका कंटेंट चलेगा। ये थोड़ा सा स्पेस रहता है इनसाइड के केस में, तो ये डिफरेंस रहता है आउटसाइड और इनसाइड का। ये आउटसाइड का केस है आउटसाइड, और ये इनसाइड का केस है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जो हमारा फोर्थ एग्जांपल है वो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हम एक बार में ही अपनी सारी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे अभी हमने दो तीन चीजें पढ़ ली है उन सभी को हम यहाँ पे एक बार में लेके आ सकते हैं। क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर स्टाइल बताएंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे ले रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिस्ट का स्टाइल हमने दिया स्क्वायर, स्क्वायर आएगा, इनसाइड प्रॉपर्टी यूज होगी, प्लस में आपने एक क्या दिया है इमेज दी है, तो जो ये इमेज आएगी वो इनसाइड आएगी, स्क्वायर रेड आपकी क्या है यहाँ पे इमेज है। तो दो चीजें आ गई यहाँ पे, एक तो इनसाइड आ गई और एक क्या है हमारी इमेज आ गई। तो हमने हेडिंग दी है यहाँ पे लिस्ट स्टाइल, पैराग्राफ दिया है स्टाइल प्रॉपर्टी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया है कंटेंट डाल दिया है यूएल लिस्ट के अंदर, लिस्ट में आपने टी और वॉटर डाल दिया, तो आपका आउटपुट जो बनने वाला है कुछ इस तरीके का बनने वाला है, लिस्ट स्टाइल, या आपने हेडिंग दी थी लिस्ट स्टाइल, स्टाइल प्रॉपर्टी पैराग्राफ में दिया था, ये इमेज आ जाएगी और किस तरीके से आएगी इनसाइड आएगी। जो भी कंटेंट अगर आप बड़ा सा डालोगे तो ये थोड़ा सा स्पेस देके आएगा यहाँ पे, तो इनसाइड और प्लस में आपकी इमेज दोनों चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। कौन सी चीज है यहाँ पे, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के केस में आप मल्टीपल चीजें एक साथ ले सकते हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक बार में डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद कुछ कलर से रिलेटेड देख लेते हैं कि हमारा किस तरीके से बैकग्राउंड में और हमारा लिस्ट के अंदर किस तरीके से कलर हम डाल सकते हैं। यहाँ पे लिए एक ऑर्डर्ड लिस्ट ली है और एक अनऑर्डर्ड, ये पहले हमने स्टाइल के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट ली है, उसमें हमने बैकग्राउंड में ये कलर का कोड दिया है, देन पैडिंग का साइज दिया है। दूसरी हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है जिसके अंदर बैकग्राउंड का कोड ये दिया है और पैडिंग का साइज ये दिया है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पे जो बैकग्राउंड रहेगा, ये जो पीछे का रहेगा बैकग्राउंड, ये ऑर्डर्ड लिस्ट में इस तरीके से ये वाला कलर रहेगा, ये रेड है, और पैडिंग हमारी 20 पिक्सल की रहेगी। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारी ये वाली जिसमें आप देख पा रहे हो कि ऑर्डर्ड नहीं है, हमने बुलेट्स ली हुई है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ये रहेगा,
प्लस में हमारा पैडिंग का साइज भी 20 पिक्सल दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या डालेंगे, कंटेंट डालेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारा बॉडी का पार्ट रहेगा वो इससे रिलेटेड रहेगा। पीछे बैकग्राउंड की बात हुई थी ये वाले पोर्शन की दोनों में ही, अब अंदर लिस्ट की बात करेंगे। लिस्ट में क्या है, आपकी ऑर्डर लिस्ट है जो पहले वाली लिस्ट है, उसके अंदर बैकग्राउंड का कलर मतलब ये जो अंदर है इसका कलर जो रहेगा वो ये कोड लिखा हुआ है डार्क रेड, बैकग्राउंड में कलर कोड ये दिया हुआ है या फिर आपने डार्क रेड दिया हुआ है, ये लिखने का है। डार्क रेड से आप लिखोगे और जो बैकग्राउंड में है बैकग्राउंड का कलर ये कोड से दिया हुआ है। डार्क रेड से लिखोगे ये लाइट रेड है, तो लाइट रेड यहाँ पे बेसिक आपका बैकग्राउंड रहेगा और यहाँ पे आप डार्क रेड से लिखने वाले हो। मार्जिन लेफ्ट की रहेगी जिसमें साइज आपने दिया हुआ है 35 पिक्सल का, लेफ्ट से जो हम साइज छोड़ते हैं जो मार्जिन छोड़ते हैं वो 35 पिक्सल है। ये हमारा क्या है पूरा कंप्लीट ऑर्डर लिस्ट से। ऑर्डर लिस्ट में हमने देखा पहले हमने क्या दिया, बैकग्राउंड का कलर दिया यहाँ पे स्टाइल के अंदर और उसकी पैडिंग दी, ये बात हो रही थी ये बाहर वाले रेक्टेंगल की। उसके बाद जब आपने ऑर्डर लिस्ट दी है वहां पे भी आपने बैकग्राउंड दिया है इस वाले पोर्शन का, बैकग्राउंड के बाद आपने कलर दिया है जो आप कलर से लिखने वाले हो वो है डार्क रेड, और साथ में पैडिंग और मार्जिन लेफ्ट दिया आपने, लेफ्ट से कितनी मार्जिन छोड़नी है और पैडिंग भी दी हुई है आपने यहाँ से मतलब कितना साइज आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये नंबरिंग आपकी ऐसे ही आ जाएगी आपकी ऑर्डर लिस्ट के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे अनऑर्डर लिस्ट की, उसका स्टाइल हमने क्या लिया, बैकग्राउंड में हमने ये कलर लिया है ये डार्क ये ब्लू कलर है लाइट ब्लू कलर, उसके बाद हमने कलर लिया है जो वो डार्क ब्लू कलर है, मार्जिन हमने 5 पिक्सल लिया। सेम इसी के लिए हमने क्या करना है इस वाले रेक्टेंगल के लिए जो लिस्ट हमारी है उसके लिए, लिस्ट में हमने बैकग्राउंड कलर दिया है लाइट ब्लू, उसके बाद जो ये कलर जो कंटेंट हम लिखने वाले हैं उसका कलर है डार्क ब्लू और मार्जिन की हमने दी हुई है 5 पिक्सल, तो यहाँ से 5 पिक्सल पे ये क्या करेगा काम करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर कंटेंट डलेगा क्या दोनों के अंदर। हेडिंग में हमने डाला है स्टाइल विद कलर, तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी स्टाइल विद कलर। उसके बाद है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट में दो कंटेंट डाले हुए हैं लिस्ट के अंदर, टी और वाटर, ये टी और वाटर आ जाएगा बाय डिफॉल्ट 1 और 2 करके आएगा ये। उसके बाद है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी हमने दो कंटेंट डाले हुए हैं लिस्ट करके टी और वाटर, यहाँ पे टी और वाटर आ गया बाय डिफॉल्ट ये क्या है सर्कल की फॉर्म में आएगा। तो ये था ओवरऑल हमारा सीएसएस लिस्ट के बारे में, डिफरेंट काइंड की हमने यहाँ पे लिस्ट देखी है कि इमेज कैसे डाल सकते हैं, बैकग्राउंड में कलर कैसे डाल सकते हैं, कौन सा कलर यूज कर सकते हैं और सिंपल लिस्ट क्या होती है हमारी। आई थिंक आपको इजीली समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।